तो जिस सीरीज का इंतजार था उसका सेकंड सीजन यानी कोटा फैक्ट्री सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है 24 सितंबर को। मैंने इसका जब फर्स्ट सीजन देखा था तो काफी ज्यादा उत्सुकता थी कि यार इसका सेकंड सीजन कब आएगा, सेकंड सीजन कब आएगा। मुझे तो इसका सच में बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। और जिन्होंने अब तक इसके फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो जाकर पहले वो सीजन देख लीजिए, कुछ ज्यादा एपिसोड नहीं है, बहुत कम एपिसोड है, लेकिन बहुत बढ़िया एक सीरीज है। सेकंड सीजन के अंदर फर्स्ट सीजन की स्टोरी को कंटिन्यू रखा गया जो सच में काफी ज्यादा संतुष्टि देती है, क्योंकि जब मैंने इसका फर्स्ट सीजन देखा था तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि यार इसमें अब आगे क्या होगा। खैर वो सारी चीजें इसके अंदर हमें दिखाई जाती हैं कि जो बेसिकली कोटा फैक्ट्री जो इसकी जो थीम है कि बच्चे आईआईटी में एडमिशन यानी आईआईटी के एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोटा में एक कोचिंग सेंटर में जाते हैं। क्या बहुत सारे कोचिंग सेंटर है वहां पर कोचिंग के लिए जाते हैं, 10th के बाद ही चले जाते हैं, लगातार 2 साल तक की वो मेहनत करते हैं, 11th 12th वहीं पर वो कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ इतनी मतलब उनका एक कमरे में बंद होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आईआईटी में उनका एडमिशन हो जाए, तो इसके लिए वो जितनी वो मेहनत करते हैं उनके सामने क्या क्या वो प्रॉब्लम आती है, कैसे वो चीजों को फेस करते हैं, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो क्या उनको मेंटली सहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें फर्स्ट सीजन के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, हाँ बट हमें देखने को जरूर मिलता है। तो जहां पर फर्स्ट सीजन खत्म होता है कि वैभव जो है वो महेश्वरी इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन हो जाता है, उसको जो टेस्ट दिया होता है उसमें वो क्लियर होता है, मतलब कमाल की बात देखेंगे कि बच्चा कोटा जाता है ताकि वो आईआईटी के बढ़िया इंस्टीट्यूट में मतलब कि आईआईटी के बढ़िया कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके, उसके लिए वो एग्जाम देता है, उसमें अच्छे उसका अच्छा नंबर स्कोर करता है तो वो एक बढ़िया कॉलेज पाता है। लेकिन उस आईआईटी का एग्जाम देने से पहले उसको एक इंस्टीट्यूट का एग्जाम देना पड़ता है जिसमें वो कोचिंग के लिए जा रहा है, मतलब कमाल की चीज है। और इस बात के लिए मतलब ये जो होता है ना कितना ज्यादा टफ है, तो इस बात का एक जिक्र करते हुए जीतू भैया हमें इस ट्रेलर में बताए जाते हैं कि वो कहते हैं कि आईआईटी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये टफ है, और टफ चीज करने से लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है, मतलब उसमें कहीं निपट भी जाते हैं यार। तो सेकंड सीजन में देखने को क्या मिलेगा कि फर्स्ट सीजन के बाद जब महेश्वरी इंस्टीट्यूट में वैभव चला जाता है तो उसकी लाइफ पर अब क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वहां पर उसे क्या क्या प्रॉब्लम सहनी पड़ेंगी, वहां के इंस्टीट्यूट के बच्चे कैसे हैं, कितने इंटेलिजेंट है, क्योंकि जैसा हमें देखने को मिला था फर्स्ट सीजन के अंदर महेश्वरी का नाम बहुत ज्यादा टॉप पर था, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट थे उनमें सबसे ज्यादा टॉप जो इंस्टीट्यूट था वो महेश्वरी इंस्टीट्यूट को बताया गया था फर्स्ट सीजन के अंदर। तो वहां पर अब उसको कैसे दोस्त मिलने वाले हैं, उसको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये सब चीजें तो हमें देखने को मिलेंगी। और ये था कि यार वो जो पुराने जो करेक्टर थे फर्स्ट सीजन में हमें जो देखने को मिले थे यार उनको भी दिखाया जाए, तो ये सब चीजें का ध्यान रखते हुए वो भी करेक्टर इस सीजन के अंदर हैं। और जिन्होंने आईआईटी कर रखी है या जो आईआईटी कर रहे हैं या जो आईआईटी करने की सोच रहे हैं या फिर जो कोचिंग में मतलब जो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने शुरू कर रखे हैं, तो वो जो है ये बच्चे जो है वो इस सीरीज से तो काफी ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने सहा है, उन्होंने जब देखा है कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है कि दो कैटेगरी में उनको डिवाइड कर देते हैं, बैंकर और रैंकर। बैंकर वो जो सिर्फ और सिर्फ पैसे देंगे, रैंकर वो जो रैंक निकालेंगे उनका इंस्टीट्यूट का नाम ऊपर चला जाएगा। तो ये जो कैटेगरी यहां पर डिवाइड की हुई दिखते हैं तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फर्स्ट सीजन में हमें दिखाया जाता है बैंकर और रैंकर का रेफरेंस वहां पर दिया जाता है, और फिर इसके बाद बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कोई टॉपिक उसको समझ नहीं आ रहा, उससे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हमें देखने को मिलता है कि भाई हाँ स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दूसरी जगह से आता है तो वहां पर उसका वो पानी सूट नहीं हो रहा, उसको खाना सूट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसको जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ता है। और इसके बाद भी तो वो अपनी लाइफ को मतलब ये साइड में रखते हुए सोशल लाइफ को तो एक बार साइड में ही रख देते हैं, और वहां पर फिर वो जो मेहनत करने शुरू करता है, उसको जो टॉपिक सामने आते हैं वो टॉपिक उसको भी समझ नहीं आ रहे यार चल क्या रहा है, रही सही कसर जब कन्या लाइफ में आती है तो वो कर देती पूरी। तो ये थोड़ा बहुत तो हमें फर्स्ट सीजन में दिखाया जाता है कि जहां पर कोचिंग का मेला लगा हुआ है, बच्चों को सिर्फ ऐसे ग्राहक के तौर पर लाया जा रहा है कि ले आओ भैया यहां पर इंस्टीट्यूट को हमें चलाना है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ये थोड़ा बहुत तो हमें वहां देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि यार सेकंड सीजन में इससे ज्यादा हमें देखने को मिले, कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो बच्चों का कैसे मतलब वो फायदा उठाते हैं। मैंने देखा भी है कि भैया नाम बड़े दर्शन छोटे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट एक्चुअल में होता है शायद इसके अंदर भी कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो आईआईटी कर रहे हैं या आईआईटी में जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या जिनके जो रेफरेंस मतलब कि जो परिवार में है आईआईटी से रिलेटेड रहे हैं तो उन्हीं को ये सीरीज समझ में आने वाली है। जो नॉर्मल इंसान है जिसको आईआईटी के बारे में पता भी नहीं है, अगर वो भी ये सीरीज देखेगा तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगी, और वो एक चीज देखेगा कि हाँ जो बच्चा
जो है वो कितनी स्ट्रगल करता है अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो बहुत बढ़िया एक सीरीज है, आईएमडीबी के ऊपर इसको बहुत ज्यादा रेटिंग मिली हुई है, 9.2 out of 10। तो यानी वाकई में बहुत अच्छी सीरीज है। और जो सेकंड सीजन का जो ट्रेलर आया है वो काफी बढ़िया मुझे लगा है, लेकिन फर्स्ट सीजन जो था वो फ्री था, यूट्यूब पर आप उसको देख सकते हैं, लेकिन सेकंड सीजन देखने के लिए आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिएगा। देखो भैया, आप लोगों को अगर जीतू भैया से मिलना है, उनको फिर से दर्शन करने हैं, तो पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। ये तो दस्तूर है, कोई चीज चल जाती है, हिट हो जाती है, तो उसको बाद में पेड कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने ये सीजन मतलब कि सीजन टू का ट्रेलर देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर सीजन वन देख रखा है तो उसके बारे में बता सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है तो जाकर वो भी देख सकते हैं, थोड़े बहुत व्यूज मेरे भी बढ़ जाएंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर वो देखिए यार। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।